आग बाद रखी थी मैंने आते जाने में, तो सुना तो अलाउ कर दो आधा घंटा, बनारस में तो आधा घंटा अलाउ है। मैं वो कॉरिडोर देखने चला गया था, वहाँ पे बाबा के यहाँ दर्शन कल भी था, मैंने कहा वो पूरी बैठक नहीं हो पाई थी, मैंने कहा ये कर लो आज साथ की जो बैठक थी मुख्यमंत्री जी ने रखी थी वो कल कर दी उन्होंने, आज दिन भर खाली था। मैंने कहा भाई वहाँ पे सोचा था अपने एजेंडे में, विशेष रूप से जो हम लोग का यहाँ पे अपने लघु भारती वाले लोग हैं उन लोग से मिलना है, और यहाँ पे क्या कार्य चल रहा है अपने एमएसएमई डिपार्टमेंट और खादी डिपार्टमेंट में उसके बारे में जानकारी लेने आया हूँ। उसके बाद एक मंडली बड़ी बैठक करूँगा, और साथ ही साथ बाबा के दर्शन भी कर लिया, उनसे भी आशीर्वाद ले लिया, तो ये सब चीज़ देखने आया हूँ, क्योंकि अभी तक जब से मंत्री बना था मैं आ नहीं पाया था, तो आज शुरुआत है। मुझे कल भी आना था, कल एक बड़ी बैठक में आना था, मगर मुख्यमंत्री जी ने मुझे कल नामित करा, एक मेरठ में कार्यक्रम आ गया जहां वो नहीं जा पाए थे, इसलिए मैं वो पूरा नहीं कर पाया था। तो आज जब भी जानकारी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसमें मैं देखने आया हूँ। गुरु जी, ये DHFL घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है, और ऐसे में दागी अफसरों को CM खुद संज्ञान लेकर उसको हटा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे अफसर सरकार की जो क्या कहते हैं कि देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सरकार पारदर्शिता से कार्य कर रही है, तो इसमें किसी का है नहीं। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो जाए और CBI को हैंडओवर कर दिया है, अब उसके बाद जब जो चीज़ें आएंगी उस पर फिर उसके आधार पर कानून अपना काम करेगा। मैं सरकार जो कर्मचारी उनके साथ भी है, और साथ ही साथ जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। CM खुद संज्ञान लेकर अधिकारियों को दूर कर हटा रहे हैं। अब तो जो रिपोर्ट में जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है उसके आधार पे जो भी सामने आता है तो उनको सस्पेंड किया गया। अयोध्या मसले को लेकर आज जिस तरीके से 17 तारीख से पहले जजमेंट आने वाला है, ऐसे में क्या माहौल है उत्तर प्रदेश? देखिए, मुझे तो नहीं पता कब आने वाला है जजमेंट, मगर जो भी आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और हम सब लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। और बस इतना ही कहूँगा कि इसमें जब तक कि जजमेंट नहीं आता उसके आधार पे फिर हम लोग को किसी को भी टिप्पणी करनी चाहिए।